आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीई बी ए 181 इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन आपका रहेगा, चाहे आप बीए में है, चाहे आप बीएससी में है, चाहे आप बीकॉम में है, या कोई भी अगर आप बैचलर डिग्री इग्नू से कर रहे हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होगा, जो सब्जेक्ट का कोड का नाम है बीई बी ए 181 इन्वायरमेंटल स्टडी आपका रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्लास पढ़ाने से पहले आप सबको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी का जो एग्जाम होता ना ये मल्टीपल चॉइस में एग्जाम होगा। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होता है, आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर इस टाइप से आता है, 50 नंबर का इसका पेपर होता है और 2 घंटे का इसका एग्जाम होगा। ठीक है, 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का इसका पेपर रहने वाला होता है। ठीक है, तो एग्जाम 50 नंबर का 2 घंटे का रहेगा और ये ओएमआर सीट पर होता है, ओएमआर सीट पर ये पूरा एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इसमें पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए 50 में से। ठीक है, ओएमआर सीट पर होता है और मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इसमें से एक राइट रहेगा, वही आपको बताना रहता है और भी ओएमआर सीट पर चलता है। पूरा पेपर ओनली 2 घंटे का रहेगा, 2 घंटे इसकी टाइमिंग रहती है। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन देखेगा, निश्चय वाक्य संकल्पना किसने विकसित की थी, तो 4 लोगों के नाम लिख रखा है और आपको इसमें से एक बताना रहेगा, आपको एमआर सीट पर ए बी सी डी रहेगा तो उसमें गोले भरने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कोई माइनस मार्किंग वार्किंग नहीं होती है, सिर्फ यही पेपर एक ऐसा है जो एमआर सीट पर या मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, बाकी आपके सारे एग्जाम क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, इसी को आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, आप देख सकते हैं पूरे के 50 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, आप दोनों दोनों को पढ़ के चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर क्या रहेगा, पहला चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, हमारा पर्यावरण। इसमें हमें पढ़ना क्या है, पर्यावरण की अवधारणा क्या है, पर्यावरण क्या होता है। दूसरा हमको पढ़ना पर्यावरण के घटक, यानी पर्यावरण में कौन कौन से घटक है। आप सबको पता है पर्यावरण में 2 घटक होते हैं, एक तो सजीव घटक होता है और दूसरा जो घटक होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव घटक, 2 घटक होते हैं ना। अगला देखिएगा पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के प्रकार। उसके बाद हमें देखना मानव और पर्यावरण में किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा संपोषणीय और सतत विकास की संकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति और पर्यावरण का महत्व क्या है। देखो इसमें अगर बात करूं तो मल्टीपल चॉइस में एग्जाम होता है और मल्टीपल चॉइस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कह सकते हो कि कभी भी मल्टीपल चॉइस की तैयारी करने के लिए आपको आपकी बुक पढ़ना, किताब पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कई बार बच्चों की बैक भी आती है, जिसको आप फेल बोलते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा मल्टीपल में होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है पर्यावरण की अवधारणा क्या है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन खास तौर से क्वेश्चन आते नहीं इसमें से। अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर लोग बात करूं पर्यावरण के घटक बताओ, अगर हम लोग बात करें जो इन्वायरमेंट है, पहला ही चैप्टर हो रहा भाई। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का जो रहेगा अगर बात करें पर्यावरण के घटक क्या है, तो भाई देखिएगा पर्यावरण की अवधारणा के चर्चा के पश्चात इस भाग में हम पर्यावरण के घटक और प्रकार के महत्व की चर्चा करेंगे। देखिएगा पर्यावरण के घटक, देखिएगा व्यापक रूप से पर्यावरण में जैविक यानी निर्जीव और सॉरी अजैविक यानी निर्जीव, जैविक यानी सजीव घटक होते हैं। यानी पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक तो भैया सजीव होता है और दूसरा होता है निर्जीव, जिसे हम लोग बोलते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, एक होता सजीव घटक और दूसरा होता है हमारा निर्जीव घटक। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए। अब हम लोग जो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं और पर्यावरण के अजैविक घटक क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि जैसे आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है या निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है और अजैविक घटक कौन सा है, ये आपकी बुक में एक टेबल बना रखी है। अगर आप देखेंगे पर्यावरण के घटक, तो यहाँ देखो अजैविक घटक कौन कौन से, अजैविक यानी निर्जीव, निर्जीव का मतलब जिन चीजों में कोई जान नहीं होती है उसी को हम निर्जीव घटक भी कहते हैं। अजैविक घटक को ही निर्जीव घटक कहा जाता है। तो अजैविक घटक कौन कौन से, यानी निर्जीव घटक कौन कौन से इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, जैसे प्रकाश,
भाई प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार का अजैविक यानी निर्जीव घटक है। दूसरा अगर आप देखेंगे परण का जो दूसरा घटक है वह है वर्षण, वर्षण क्या वर्षा, वर्षा जो होती है यह भी अजैविक घटक है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो आर्द्रता और जल, आर्द्रता और जल जो होता है यह भी कह सकते हो कि पर्यावरण का अजैविक घटक ही होता है। अगला देखिए तापमान, तापमान भी क्या है पर्यावरण का अजैविक घटक है, ठीक है। अगला देखिएगा वायुमंडलीय गैस, जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं यह भी पर्यावरण का अजैविक घटक है, निर्जीव घटक। ऋतु और मौसमी परिवर्तन, ऋतु जो जो ऋतुएं होती हैं जो मौसम में बदलाव होता है, मौसम में परिवर्तन होता है यह भी पर्यावरण का अजैविक घटक ही आता है। और आखिरी है स्थलाकृति, स्थलाकृति को भी हम लोग पर्यावरण का अजैविक घटक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण का जैविक घटक कौन कौन सा है। जैविक घटक को हम लोग सजीव घटक भी कहते हैं, क्या बोला मैंने, इसको हम लोग क्या कहते हैं जैविक घटक को सजीव, यानी इसमें भैया जान होती है। तो जैसे पादप यानी पौधा उधा जो होता ना, इस कितने पौधों में आप सबने सुना कि पौधों में जान होती है, तो पौधा क्या है जितने भी पादप हैं, ठीक है, सभी पादप जो हैं वह जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य है, मनुष्य भी एक प्रकार का जैविक घटक है। अगला है परजीवी, परजीवी जो होते हैं ये भी जैविक घटक है। सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह भी जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, जो परजीवी हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और सभी प्रकार के जंतु, भाई जितना भी जीव जंतु, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, गधा है, खच्चर है, गिलहरी है, चील है, जितना भी जीव जंतु है सभी जैविक घटक में आता है। और लास्ट में आप लोग कह सकते हैं जो अपघटक हैं वह भी क्या है, अपघटक भी होते हैं, यह भी एक प्रकार से जैविक घटकों की श्रेणी में ही आते हैं, जंतु और अपघटक, ठीक है। आगे देखिएगा भौतिक घटक जैविक घटकों की उत्तरजीविता के लिए स्थितियां स्थापित करते हैं, यानी जो भौतिक घटक होते हैं वह जैविक घटकों के लिए उत्तरजीविता के लिए यानी उसको जीने के लिए परिस्थितियां स्थापित करते हैं, जो बदले में पर्यावरण को रखरखाव को ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण के घटकों के बीच संबंध ऊर्जा के प्रवाह के साथ होता, यानी पर्यावरण में जितने भी घटक होते हैं, ध्यान सुनिएगा, पर्यावरण में जितने भी घटक होते हैं उनके बीच में जो ऊर्जा का प्रवाह है यानी एनर्जी का जो प्रवाह होता है और पदार्थों का जो चक्रण के साथ होते हैं, यानी पर्यावरण में यानी इन्वायरमेंट में जितने भी घटक हैं वह भाई एनर्जी यानी सूर्य की जो ऊर्जा है और पदार्थों के चक्रण के साथ का पथ है। उदाहरण के लिए जैसे हरे पादप अनिवार्यता संसाधनों के भौतिक जगत को प्राप्त करते हैं, जैसे जल खनिज मृदा से, भाई कोई भी जो पेड़ पौधा होता है वह क्या प्राप्त करता है जगत से, जैसे जल खनिज मृदा या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें वो प्राप्त करते हैं ना। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई सूर्य से प्रकाश से क्या करते हैं अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। जंतु पादप और अन्य जंतु पर अपने भोजन के लिए स्थलों और सागरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो अपना क्या करते हैं भाई भोजन जो है स्थलों से, कुछ जीव जंतु हैं जमीन पर से और कुछ जो जीव जंतु होते हैं जो सागर होता है या जो समुद्र होता है वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भूपर्पट से खनिज ईंधन प्राप्त होते हैं, धरती के नीचे से क्या है हम लोगों को खनिज प्राप्त होता है और ईंधन प्राप्त होते हैं। इन सबके बारे में अधिक से अधिक हम इस कार्य में पढ़ेंगे। अब देखिएगा पर्यावरण के प्रकार, तो भाई पर्यावरण का दो प्रकार होता है, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, पर्यावरण का दो प्रकार है, एक तो होता भैया बाह्य पर्यावरण, ठीक है, और दूसरा होता आंतरिक पर्यावरण। पहला क्या होता है बाह्य पर्यावरण और दूसरा होता आंतरिक पर्यावरण, ठीक है। देखिएगा प्राकृतिक तालाब में रहने वाली एक मछली पर विचार करें तो हम देखेंगे किसका बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा। जैसे मान लीजिए सुनो ये तालाब है, ठीक है भैया तालाब है, इसमें पानी वानी भरा हुआ, ठीक है, ये पूरा तालाब। आंतरिक और बाह्य पर्यावरण किसे कहते हैं मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पूरा तालाब है, यहाँ पर ये सारा पानी भरा हुआ और यहाँ पर एक मछली है, ये मछली है, ठीक है, ये मछली यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर हम मैं आपको बताऊंगा बाह्य पर्यावरण आंतरिक क्या होगा। जैसे मान लीजिए तालाब जो है पूरा तालाब और तालाब के अंदर का जो पानी है ये पूरा बाह्य पर्यावरण है, क्या है तालाब जो है पूरा तालाब है जो है मछली के बाहर की जितनी चीजें हैं, तालाब है, तालाब के बाहर का पानी है, तालाब के अंदर में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या है वो बाह्य पर्यावरण होगा। और आंतरिक पर्यावरण क्या होगा, जो मछली है ना मछली के शरीर के अंदर की जो चीजें हैं,
वह आंतरिक पर्यावरण माना जाएगा। समझ रहे हो, यानी मछली का जो शरीर है उस मछली के शरीर के जो अंदर की, जैसे मान लो हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर में फेफड़े उफड़े हैं और गुर्दा उर्दा है, ये सब कह सकते हैं आंतरिक हो जाएगा। बाह्य प्रण क्या है, हमारे बाहर की जितनी चीजें हैं बाह्य प्रण। उसी प्रकार से यहाँ पर मछली का एग्जाम्पल देकर, किसका एग्जाम्पल देकर भाई मेरे, मछली का एग्जाम्पल देकर के यहाँ समझाया जा रहा है कि आंतरिक पर्यावरण क्या होता है और बाह्य पर्यावरण क्या होता है, इन दोनों में फर्क बताएं। यानी मछली का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बताऊं, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को अगर आपके पास बुक है तो निशान लगा लीजिए, यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा, एग्जाम में पूछेगा ही है। जब से एग्जाम में जो एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण क्या है भाई, प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो ऑटोमेटिक ही बन गया है, जिसको किसी इंसान ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक यानी, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग देखेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट, ये बहुत पूछेगा, ठीक है। ये तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता, जैसे महासागर, महासागर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। झील, तालाब, नदी, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण होता है। यहां से आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं क्या क्या प्राकृतिक पर्यावरण है, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछता है, प्राकृतिक पर्यावरण का एग्जाम्पल देगा। जैसे उसमें बुक में लिखेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, नोट, या कई बार पूछेगा नहीं कौन सा है बताइए। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, यहां से आप देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को जब आप देख कर चलेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा, क्योंकि हिंदी में काफी कई बार कठिन शब्द होगा। अगला जो चीज पढ़ाऊंगा ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने बोला भाई, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, महासागर है, झील है, नदी है, तालाब है, वन है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है इत्यादि, ये प्राकृतिक पर्यावरण यानी ये नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। अब यहाँ ध्यान, अगला आप देखेगा मानव संश्लेषित पर्यावरण, अब ध्यान रखना मानव संश्लेषित पर्यावरण क्या होता है, जैसे बागान, वृक्षारोपण, अभ्यारण और बाग, बागान, वृक्षारोपण, अभ्यारण और बाग। अब इंग्लिश मीडियम में यहां से ध्यान देना, यहां पे लिखेगा ह्यूमन मोडिफाइड इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन मोडिफाइड इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखना ह्यूमन मोडिफाइड, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में इसलिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब हिंदी में आप देखोगे तो एग्जाम जब चलता है तो वहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो यहाँ पर अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चीजों को देख करके चलेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है, दोनों मीडियम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ हिंदी हिंदी में आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको दोनों क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। अब सपोर्ट डेट आप किस जिस आपको आपको जो समझ में आता है उसे कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा मानव संश्लेषित पर्यावरण क्या है, जिसे बागान है, वृक्षारोपण है, अभ्यारण है, बाग है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताएं ह्यूमन मोडिफाइड इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसने बता रखा कौन कौन से है, ठीक है, ये ह्यूमन मोडिफाइड है, क्योंकि यहां से इसको इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश से यहां से कर लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ हिंदी वालों के लिए। देखिएगा मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, जैसे उद्योग, ठीक है, हाँ आ रहा हूँ, आपको बताया कि मानव निर्मित जो पर्यावरण मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या बताया, जैसे उद्योग है, ठीक है, शहर है, कस्बे हैं, खेत है, कृत्रिम झील है और बांध है, ठीक है। यहां पर अब इंग्लिश मीडियम में भी देख लेना, ये जब यह पूछेगा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड जब, ठीक है, देखो एक चीज बता दूं मेरी बात, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मोडिफाइड इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, आप जब भी जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं, एग्जाम जब चलता है ना तो मानव संश्लेषित में
और मानव निर्मित में। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, तो क्वेश्चन पेपर में हिंदी में बड़े शब्दों का खेल है भाई मेरे, ठीक है। तो वहां पर इस चीज को वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ह्यूमन मोडिफाइड पूछ रहा है या ह्यूमन मेड पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं, हिंदी में शब्दों की जादूगरी है। हिंदी में तो बहुत शब्द यूज कर लेते हैं, कई बार बोल देगा कि मानव परिवर्तित है शब्द, देखो शब्द का एक बताता हूं, हिंदी में लिखता है कि मानव परिवर्तित, अब तुम पढ़ के गए हो मानव संश्लेषित और मानव निर्मित, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर लिख रहा कि मानव परिवर्तित, तो वहां पर समझोगे कैसे। तो वहां पर आपके लिए क्या काम आएगा कि आप लोग इसको ह्यूमन मोडिफाइड और ह्यूमन मेड के अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर आप इंग्लिश मीडियम में जो लिखा होगा ना, जैसे मान लो सातवां क्वेश्चन लिखा है और लिख रखा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण है, तो यानी ह्यूमन मोडिफाइड वो पूछ रहा है, ठीक है, उसको ह्यूमन इसे एग्जांपल निकालना। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश में भी होता है और वह हिंदी में भी आता है, तो दोनों में आता है ना, तो वहां से क्या होगा आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। ये क्या मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हर साल आता है। अगर एक बात बताऊं, आप लोगों ने ह्यूमन मोडिफाइड और ह्यूमन मेड पढ़ लिया और नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ लिया, ये समझ लीजिए एक नंबर एक क्वेश्चन कंफर्म है। पहले चैप्टर से दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से हर साल एवरी ईयर पूछ रहे हैं, 6-7 साल से पेपर हो रहा, हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछा है, अगला देखिए भाई मानव पर्यावरण संबंध क्या है। तो मानव पर्यावरण में संबंध में यहां से क्वेश्चन जैसे निश्चयवाद, निश्चयवाद पूछेगा, और निश्चयवाद की विचार किसने दिया है भाई, निश्चयवाद देखेगा, निश्चयवाद की संकल्पना जर्मनी की भूगोलविद फ्रेडरिक रेजल द्वारा विकसित की गई है, जिसे बाद में इसे विस्तारित किया गया था। तो इसको कई बार लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, निश्चयवाद की जो विचार है, निश्चयवाद की जो संकल्पना है, इसको किसने दिया, रेजल ने दिया है, नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम कई बार पूछेगा, क्योंकि इस बार तो नहीं आया था, इस बार जून 2024 में यहां से शायद निश्चयवाद में और संभावनावाद को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा। तो निश्चयवाद की जो संकल्पना है इसको फ्रेडरिक रेजल द्वारा विकसित किए। एक चीज बताऊं, अगर आपके पास बुक है ना, तो जहां जहां जिस जिस सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूं ना, वहीं वहीं पर तुम लोग मार्किंग कर लो, जैसे मैंने यहां पर मार्किंग कर रखी है, ठीक है, बुक में, ठीक है। अब जैसे संभावनावाद है, जिस संभावनावाद को लेकर के पूछेगा, संभावनावाद किसने दिया है या संभावनावाद किसने बताया है, देखो संभावनावाद जो शब्द है या फ्रांसीसी इतिहासकार फेरवे द्वारा दिया गया है, तो यानी ठीक है ये नाम याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या होता है, देखो मल्टीपल में आना क्वेश्चन, तो भाई मल्टीपल में लोगों की तरह तो आता नहीं है, तो मल्टीपल में क्वेश्चन जहां से बन सकता है या जहां से मल्टीपल में क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए पढ़ना है। इसलिए मैं हमेशा हर बच्चे को बताता हूं कि इन्वायरमेंटल यानी ईबीएस की जो बुक है, किताब है, उसको पढ़ करके जाना जरूरी है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में आप किताब पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, चल जाएगा, आप किसी का वीडियो भी देख लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, आपने पेपर ऊपर लिख दिया, हिस्ट्री में चल जाएगा, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इन सब में इंग्लिश में चल जाएगा। लेकिन ईबीएस मल्टीपल में चलती है, इसलिए इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बेचारे फेल भी होते हैं, और मैं तो बताऊं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं, मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि मेरा 3 साल से बैक आ रही है, 3-4 बार दे दिया, पास ही नहीं हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चा किताब पढ़ ही नहीं रहा, अगर वो हल्की सी भी किताब पढ़ ले तो ये पेपर आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर आप देखेंगे जहां से क्वेश्चन, अगला देखो सतत विकास, सस्टेबल डेवलपमेंट को बोलते हैं, ठीक है, संपोषणीय और सतत विकास, ठीक है, देखिएगा सतत विकास ही संकल्पना को ओवर कॉमन फ्यूचर प्रोग्राम यानी हमारा समान भविष्य नामक पुस्तक यानी बुक में रिपोर्ट में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट ये विस्तारित की गई थी, इसकी अध्यक्षता तत्कालीन नॉर्वे के प्रधानमंत्री इन्होंने की थी। देखो यहां से यानी बुटलैंड आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, अभी प्रीवियस में अभी दिसंबर में जब एग्जाम हुआ था तो दिसंबर में एग्जाम से यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था, उसने पूछा था बुटलैंड जो आयोग है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे बुटलैंड इसने ही कर रखी थी। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, इन सेक्शनों में से आती है।
अगला जो क्वेश्चन अगर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वहां से क्वेश्चन तो 100% आता, पहले मैं उसको बता देता हूं क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका वहां से बन ही जाएगा। देखो आप सबने सुना होगा सतत विकास के 17 लक्ष्य, सतत यानी सस्टेबल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी चलते हैं क्योंकि वहां से भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहां से थोड़ा इजी हो जाएगा इस सतत विकास को समझना, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको याद करना, क्योंकि हिंदी में इतने ज्यादा लिख रखे हैं। देखो सस्टेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, इसके गोल आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये 17 है, पूरे 17 के 17 दे रखे हैं, ठीक है। सस्टेबल डेवलपमेंट के जो गोल है आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक से, अब हिंदी में दिखाता हूं, हिंदी में इतने बड़े नाम लिख रखे हैं, बड़ा समझने में बड़ा दिक्कत आती है। देखो सस्टेबल डेवलपमेंट सतत विकास के क्या क्या लिख रखे हैं, देखो ये क्या बोलता है कि भाई पूरे विश्व में गरीबी के समाप्त करना है, भूख की समाप्ति करनी, खाद्य सुरक्षा और जीवन स्वास्थ्य को बढ़ाना है, ठीक है, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन बढ़ाना है, समय बेसी न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, ठीक है, लैंगिक समानता की बात करता है, महिलाओं और लड़कियों में सशक्त करना है, ठीक है, ठीक है, सभी प्रकार की स्वच्छता और पानी सतत प्रबंधन और उपलब्धता सुनिश्चित करना है, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच करना है, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक और विकास पूर्ण उदारक रोजगार और बढ़ावा देना है, ठीक है, लचीले बुनियादी ढांचे और समावेशी और सतत औद्योगिक को बढ़ावा देना है, ठीक है, देशों के बीच समानता को कम करना है, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है, ठीक है, अस्थायी खपत उत्पादन और पैटर्न को सुनिश्चित करना है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को निपटान की कार्रवाई करना है, चौदवा अस्थायी सतत विकास और महासागर समुद्री और समुद्री संसाधनों का संरक्षण का उपयोग करना है, ठीक है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने करने के लिए बात करता है, यानी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने से रोकने का प्रयास करना है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समिति को बढ़ावा देना है, और सत्रवां जो करता है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करने और मजबूत करने की बात करता है। लेकिन यही सतत विकास के जो गोल हैं, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, इस 17 के 17 लक्ष्य, देखो यहाँ से देखो देखो जीरो हंगर वंगर इस टाइप से अगर आप याद करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वेटी, इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो ये सतत विकास के 17 लक्ष्य आएगा। अगर आपने सतत विकास के 17 लक्ष्य अगर आपको पता है, देखो एग्जाम में कैसे पूछता मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ, जैसे कई बार तुमसे पूछेगा सतत विकास के निम्नलिखित में से कौन सा गोल है, यानी उसमें लिखा होगा कौन सा होगा, और कई बार ये बड़ा खेल कर देता है कि लिख देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, तो उसमें 3 होंगे, उसमें नहीं कौन सा यानी गलत कौन सा निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे भी कई बार पूछता कि कौन सा है, और कई बार आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो सस्टेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, आप इंग्लिश मीडियम, एक बात बता दूं, अब जैसे बात आएगी भाई कि हम तो कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसको इंग्लिश मीडियम वाली किताब कैसे मिलेगी, बुक कैसे मिलेगी, ठीक है, तो आप लोग जाकर के बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ बुक को डाउनलोड करके ही तो सारी बातें पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाकायदा ये आपको दिख रही है, बाकी यहाँ से भी आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सतत विकास के 17 गोल को, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसको देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल आना ही आना है, ठीक है, ये कहीं जाएगा नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन अगर आप इन्हें सतत विकास के 17 लक्ष्य पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगला अगर आप देखें जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगला यहाँ से ध्यान दो, अब मैं पढ़ देखूंगा, सतत विकास को प्राप्त करने वाला प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो ये बहुत पूछता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये पेज नंबर की अगर बात हो तो पेज नंबर 15 है, ठीक है, ठीक है, देखिएगा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र, तो सतत यानी सतत विकास को अगर सस्टेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है, प्राप्त करना मीन्स अचीव करना, अगर हमको वो अचीव करना तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला क्या है, जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, भैया जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसको कंट्रोल करो, ठीक है, कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा क्या है, गरीबी असमानता और तीसरी दुनिया अल्प विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी को खत्म करना, यानी जो गरीबी असमानता जो बनी हुई है इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है
प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है। अगला कृषि को दूर भी हुई, यानी खास तौर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए काम करने की बात करता है, कृषि को दीर्घ उपयोगी बनाना। अगला क्या बोलता है, चौथा बोलता है वनों तथा अन्य प्रवासों का संरक्षण करना है, यानी जो वन है जो वनों के प्रवास हैं उनका यानी जंगलों का बचाव करना है भाई, इन्वायरमेंट खास तौर से जो आपके जंगल हैं जंगलों को बचाना है, ठीक है, तभी तो सतत विकास खास तौर से उसके यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है आप उनको प्राप्त कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, जल और ऊर्जा के उपयोग को, जल और ऊर्जा यानी वाटर एनर्जी का जो यूज है उसको लाइफ ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हम इसको यूज कर सकें ऐसे हमको बनाना है, यानी जल और ऊर्जा के उपयोग को दीर्घ उपयोगी बनाना। और छठा जो रहेगा जल का दुरुपयोगी, यानी जल यानी वाटर को हम लाइफ टाइम तक लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें ऐसा संभव बनाना है, यानी जल उपयोग की क्षमता और जल की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है भाई, यानी जो पानी है इसकी क्वालिटी अच्छी हो साथ में इसकी क्षमता भी हो और हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो इसकी बात करता है, ठीक है। अगला अपशिष्ट यानी कूड़ा करकट जो होता है ना, अपशिष्ट उत्पादन कम करना, यानी भाई कूड़ा करकट घरों में कम निकले, अड़ंगा उड़ंगा कम निकले इसकी बात, यानी जो अपशिष्ट प्रबंध अपशिष्ट उत्पादन है इसको कम करने की क्या कहता है, ये बात कहता है, ठीक है। ये क्या है, अगर आप देखेंगे ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, सतत विकास को प्राप्त करने वाले यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, खास तौर से अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना है तो उसके लिए प्राइमरी गोल्स यानी प्राइमरी क्षेत्र क्या है, यानी सेक्टर्स क्या रहेंगे, तो इस लगभग 7 पॉइंट है। और एग्जाम में जब पूछा ना कि सतत विकास को अचीव करने वाले प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा और निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, तो आपको सातों के सातों पता होंगे तभी तो आप लोग बता पाएंगे, नहीं तो आप इस चीज को कैसे बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर मैं बात करूं यहां से इग्नू कई बार पूछता, देखिएगा, एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन निरंतर वृद्धि करती जनसंख्या की ऐसी जनसंख्या की ओर स्थिति है, ठीक है। अगला देखिएगा, एक संसाधन परिवर्तन क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि पूरी तरह से वृद्धि आधारभूत ना हो बल्कि प्रकृति और सृजनात्मकता और अधिक भरोसा करे। तो यहां से भी आता है, जैसे इस बार यहां एक क्वेश्चन आया था, इस बार प्रेजेंट टाइम में जब एग्जाम हुआ था इग्नू का, अभी दिसंबर में 2023 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो यहाँ इसमें से क्वेश्चन आया था कि एक टेक्नोलॉजी परिवर्तन क्या है, तो गहन प्रदूषण आर्थिक उत्पादन, ठीक है, इसमें बताना था, ये इससे यहाँ पूछा गया था, एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन और एक सामुदायिक परिवर्तन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो डायग्राम बना, इस डायग्राम में आ जाओ, ठीक है, इस डायग्राम में आ जाइए, डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया गया है, सतत विकास के 3 स्तंभ यानी 3 पिलर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट है, ठीक है, यानी सोशल है और इकोनॉमी है, 3 है ये, यानी क्या है, सतत विकास के 3 स्तंभ है, कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट है, ठीक है, सोसाइटी है, ठीक है, सामाजिक या सोशियोलॉजी कह लीजिए, सामाजिक है, ठीक है, और तीसरा का इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक है, यानी पर्यावरणीय सामाजिक और आर्थिक क्या है, इस सतत विकास के 3 स्तंभ है। पर्यावरण में क्या क्या है, हवा है, पर्यावरण में क्या क्या भाई, सतत विकास के 3 स्तंभ, जैसे मैंने पहला बोला कि पर्यावरण, तो उसमें क्या है, जैसे हवा है, जैव विविधता है, ऊर्जा धरती है, जलवायु है, जल है, खनिज है, और अगला है अपशिष्ट और संसाधन प्रबंधन, संपत्ति का अधिकार, ईंधन ऊर्जा, ईंधन खर्चा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि लेखांकन दायित्व अधिनियम, ये सारी चीजें हैं। और सतत विकास का जो सामाजिक वाला पार्ट है उसमें क्या क्या है, जैसे भोजन है, आवास है, कपड़ा है, मनोरंजन है, संस्कृति है, तो ये पता होने चाहिए, क्योंकि यहीं से बहुत बहुत ट्रिकी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम होता है, बहुत ट्रिकी एग्जाम होता है, ठीक है, इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए मैं ठीक है बता रहा हूँ। आर्थिक में अगर हम लोग आर्थिक की बात करें, नहीं सामाजिक में और भी अगर बताऊं, जैसे उपभोक्ता जागरूकता है, ठीक है, और सामाजिक विकास है, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक में क्या क्या है, सामाजिक में सतत विकास के 3 स्तंभों में अगर सामाजिक की बात करें, उसमें भोजन है, आवास है, कपड़ा है, मनोरंजन है, संस्कृति है, और उपभोक्ता है, जागरूकता, सामूहिक विकास और खाद्य सुरक्षा है। आर्थिक में क्या क्या है, आर्थिक में जैसे अगर हम मैं बात करूं तो जैसे अब बताएगा उत्पादन है, प्रक्रियाकरण है, विपणन है, परिवहन है, निवेश है, अति विकास और संचार है, ये सतत विकास के 3 स्तंभ है, ठीक है।
कौन कौन, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक। यहां से क्वेश्चन इस टेबल में से आपकी बुक में जरूर बनाओगे, जब आपको बुक मिलेगी तो पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 पर ये आपको जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, इसको आप जरूर कीजिएगा, इसको आप जरूर पढ़ेगा। यहां से क्वेश्चन आने की क्या रहती है, संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी रहती है, इसको जरूर करके जाइएगा। जो जो मैंने बताया यही यही से ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक आए हैं। अब जैसे लास्ट हमारा जो पॉइंट करेगा पर्यावरण अध्ययन का महत्व, यानी जो इन्वायरमेंट है हम उसका जो स्टडी करते पढ़ाई करते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्यों क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्यों है। तो भाई इसका जो पहला महत्व क्या है, पर्यावरण मुद्दे अंतरराष्ट्रीय महत्व के, इन्वायरमेंट को इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि जो इन्वायरमेंट का एक मुद्दा है यानी इशू है वह आज अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टॉपिक बन चुका है। जैसे खास तौर से अगर हम लोग बात करें जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम भूमंडलीय तापन हिंदी में बोलते हैं, जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ओजोन लेयर ह्रास, ठीक है, या अगर हम बात करें खास तौर से जैव विविधता जो लॉस हो रही, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही उसकी, ये खास तौर से अगर आप बात करेंगे आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, ठीक है, इसकी बात करें या बायोडाइवर्सिटी जिस प्रकार से उसको नुकसान पहुंच रहा है, ये खास तौर से किसी देश के नहीं बल्कि इंटरनेशनल टॉपिक बन चुके हैं। इसलिए कह सकते हैं आज जो पर्यावरण का महत्व है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगला, आधुनिकरण और विकास के कारण समस्याओं का, आज जब से एक बात तो इन्वायरमेंट इसलिए महत्वपूर्ण विषय बना है, उसका इस सब्जेक्ट का बनने का रीजन ये है कि आज जब से आधुनिकरण यानी जब से खास तौर से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जब से नया समय आया है, ठीक है, जब से डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहे और जब से खास तौर से हमने उद्योग धंधे लगाए हैं, इंडस्ट्री लगी है और विकास शहरीकरण हुआ है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ी हैं, इसलिए भी कह सकते हैं इन्वायरमेंट एक बड़ा टॉपिक है। जनसंख्या विस्फोट, भाई पॉपुलेशन लगातार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो कह सकते हो कि आज जो हमारा बैलेंस है इन्वायरमेंट का, ह्यूमन और इन्वायरमेंट जो बैलेंस है वो भाई डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सही बैलेंस बना रहे इसके लिए भी हमें जरूरी है कि जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं, या भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला, वैकल्पिक संसाधन की आवश्यकता। देखो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, भाई ये निश्चित है ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्वायरमेंट में इस चीज को लेकर के काफी डिबेट है कि हम लोग खास तौर से ऑप्शनल रिसोर्स क्या है। जैसे आप सबने इस टाइम में सोलर एनर्जी और हमने बहुत टाइप की चीजें कर रहे हैं, सोलर एनर्जी जो लग रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार से वैकल्पिक संसाधन की खोज हो रही है ताकि एनर्जी का सेक्टर हो, क्योंकि भाई ऊर्जा तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ऊर्जा के संसाधन जितने हैं, अगर हम गैस की बात करें या डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, केरोसिन है, तो ये भाई तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे ना, तो हमें अब वैकल्पिक संसाधनों की खोजने की आवश्यकता है। इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है या जो हमारा पर्यावरण का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्व का विषय बन गया है, इसलिए ताकि हमें वैकल्पिक यानी एक प्रकार से ऑप्शन पर यानी नए नए ऑप्शन हमें तलाशने पड़ेंगे और नए नए ऑप्शन हमको देखना, हमारे लिए देखना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और पांचवा क्या है, विकास पूर्ण योजनाओं को हमें करना, भाई इन्वायरमेंट के लिए क्या, इन्वायरमेंट इसलिए भी हमारा जरूरी है ताकि आने वाले समय में हम डेवलपमेंट को विवेक, ऐसा नहीं कि भाई डेवलपमेंट करना है तो इन्वायरमेंट खराब होता चला जा रहा है उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट हमको दोनों साथ साथ लेकर के चलना है। अगर कोई भी देश सिर्फ इन्वायरमेंट को देखेगा और इन्वायरमेंट को पीछे लगा रहेगा, डेवलपमेंट देखेगा तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई देश सिर्फ डेवलपमेंट को देखेगा, इन्वायरमेंट देखेगा तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। तो भाई बर्बादी से बचने का यही रास्ता है कि हमें इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को दोनों को साथ एक प्रकार से, एक जैसे कहा जाता ना जैसे एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं और दो पहिए होते हैं, उस प्रकार से दोनों क्या एक दूसरे की धुरी हैं और दोनों को हमें साथ लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेकपूर्ण योजना बनानी पड़ेगी ताकि हम इन्वायरमेंट और खास तौर से डेवलपमेंट दोनों को साथ में अचीव कर सकें, दोनों को साथ में रखना क्या है बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है, ठीक है, ठीक है, तभी इसका ये हो पाएगा। एक क्या है, इसके लिए गोल बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कीजिएगा। बाकी इसमें पहले चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था ये तो मैंने बता दिया।